So we have learned conditional sentences type 1, type 2, and now we are going to talk about type 3. And we use conditional sentences type 3 for past. Past possibilities. Why do we use it? For past possibilities or for past regrets sometimes. For past regrets. रिग्रेट्स की क्या होते हैं? पछतावा, पश्चाताप। कई बार हमने ऐसे काम किए होते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है कि सर अगर उस समय में ये काम नहीं करता तो अच्छा होता। जैसे कई लोग द ट्वेल्थ में थे, दे डिडंट स्टडी हार्ड, दे डिडंट स्टडी हार्डर, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट स्कोर वेल। अब स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ? खराब हुआ। और उसके बाद नाउ दे आर रिग्रेटिंग। कभी कभी जब बैठते हैं अब वो इग्नू से पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं, अब वो इग्नू जाते हैं भाई साहब, या वो SOL से कर रहे हैं पढ़ाई, प्राइवेट ओपन लर्निंग मेरे ख्याल से बोलते हैं। सो ओपन लर्निंग से अब सीख रहे हैं क्या, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें डिग्री चाहिए, वैलिड भी है, लेकिन क्या वो अनुभव जो आप कॉलेज जाके लोगे वो मिलेगा? जो बंक ऑफ करोगे स्कूल से कॉलेज से वो मिलेगा अनुभव वहां? बताइए, जो मजे वहां पे है कॉलेज छोड़ के मूवी देखने के वो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। तो इसीलिए वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन कर रहे हैं मजबूरी में क्योंकि मेहनत नहीं की। लेकिन कभी कभी जब वो जाते हैं, संडे वनडे को जाना पड़ता है मेरे ख्याल से, जाते हैं कॉलेज तो सोचते हैं कि अगर मैंने अपने स्कूल के समय में पढ़ाई की होती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते, मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करता। तो ये सेंटेंस आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? वेरी नाइस। देखा, जो सीखा है उसी से काम चलाना है। अभी तक मैंने टाइप 1 सिखाया है, टाइप 2, तो ये भाई साहब उसी से काम चला रहे हैं। हाँ बताइए, कैसे बोल रहे हैं आप? देखा, उसी से काम चला रहे हैं, वुड से काम चला रहे हैं, गॉट इट, शुड हैव से काम चला रहे हैं। सो ये है हमारे भारतीय लोग, हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं उन्हीं से हमें काम चलाना है। ये नहीं कहेंगे कि सर अभी आपने पढ़ाया ही नहीं है टाइप 3, पढ़ाओ तो सही तब बनाएंगे। सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ, दैट्स वेरी गुड थिंग। किसी ने कहा है समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से थोड़ा करना भी बेहतर है। तो कम से कम आपने कोशिश तो की, और किसी ने कहा था कोशिश करने वाले की कभी और डरने वालों की कभी, तो जय जयकार करानी है तो सीखिए टाइप 3। हमारा जो फॉर्मेट होगा ध्यान समझना अच्छे से, फॉर्मेट वुड बी इन द वे जो हमारा इफ क्लोज होगा। इसमें पता है ना कंडीशनल सेंटेंसेस कब बनते हैं? जब कोई सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं इफ से, व्हेन से या अनलेस वगैरह से। यहाँ एग्जांपल हम ले रहे हैं इफ का, तो व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस ऑफ टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस, तो इफ वाला जो क्लोज होगा हमारा उसमें हमें दिमाग लगाना है कि हमें जो भी डूअर होगा हमारा काम करने वाला इंसान, हमें उसके साथ हेड का यूज करना होगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। कौन सी फॉर्म बच्चों? जो फॉर्मेट हमारा इफ के साथ जो क्लोज आएगा उसमें हमें बोलना है डूअर प्लस हेड प्लस एक्शन थर्ड, उसके बाद कॉमा। कॉमा की हमें क्या करना पड़ता है? व्हेन वी नीड टू स्पीक दैट फॉर्मेट इन इंग्लिश, तो जहां पे हमें कॉमा यूज करना है वहां पे हमें कॉमा बोलना नहीं है, वी नीड टू टेक अ पॉज। और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस हमारा शुरू होता है उसमें फॉर्मेट होता है डूअर प्लस वुड, डूअर प्लस वुड, और साथ में अब की बार वुड अकेला नहीं आएगा, वुड अपने साथ ले, हाँ वुड हैव के साथ मिलके आएगा, वुड हैव, और साथ में यहाँ पे भी एक्शन की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। तो कॉमन सी चीज आपको याद रखनी है कि दोनों ही क्लोजेज में, चाहे वो इफ वाला हो चाहे इफ वाला ना हो, दोनों तरफ थर्ड फॉर्म रहेगी, ये कॉमन है। लेकिन जिधर इफ लगा है उधर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और जिधर इफ नहीं लगा है उधर क्या है? वुड हैव। क्या है? वुड हैव। अब आपको ध्यान क्या देना है, मैनी टाइम्स ऐसा होगा कि आपका ये वाला सेंटेंस उधर चला जाएगा और उधर वाला सेंटेंस इधर आ जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? लेकिन दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इफ के साथ ही हेड लगेगा, ये नहीं कि आप ये याद कर ले कि पहला सेंटेंस हैड वाला, दूसरा सेंटेंस वुड हैव वाला, ठीक है?
पहला सेंटेंस हेड वाला, दूसरा वुड है, ऐसे याद नहीं करना है। बस वी नीड टू नो कि इफ का जो सेंटेंस होगा उसमें हमें क्या लगाना है, हेड। अब इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जो कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर मैंने उस समय मेहनत की होती अपने स्कूल टाइम में, स्कूल टाइम में मैंने मेहनत की होती तो मैं अच्छे मार्क्स लाता। बोले इफ आई, डूअर कौन है, वेरी नाइस एफर्ट, डूअर कौन है, आई। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, क्या यू कहें हार्डर, उसका मेहनत करी हो, ज्यादा ना की हो आपने। सो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव गॉट, या ऑब्टेंड हम यूज करते हैं, वर्ड सुना होगा ऑब्टेंड गॉट बेटर मार्क्स। क्लियर और नॉट? तो इस तरह से आपने क्या देखा, यहां भी थर्ड फॉर्म और यहां भी थर्ड फॉर्म यूज किया। यस सॉरी बेटा, तो बच्चे ने बोला बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सर यहाँ पे गॉटन भी तो हो सकता है। गॉटन, देखिए गॉट हमारी दोनों फॉर्म होती है, सेकंड भी होती है थर्ड भी, लेकिन गॉटन केवल अमेरिकन्स यूज करते हैं। अमेरिकन्स के हिसाब से क्या होता है, वो बोलते हैं गेट गॉट गॉटन, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं गेट गॉट गॉट। तो गॉट ज्यादा सेफ है यहाँ पे, तो हम गॉट लगाएंगे, दैट वुड बी मच बेटर। गॉटन लगा देंगे तो भी वो गलत नहीं होगा, बल्कि इट साउंड्स स्ट्रेंज ऑकवर्ड, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हमें हैबिट नहीं है इसलिए हमें लग रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और बनाएंगे हम फनी सा। सेंटेंस ये है और सेंटेंस का जवाब वही इंसान सही दे पाएगा एक ही बार में जिसने हम मेरी या अमेरिकन की लास्ट वाली वीडियो देखी होगी। सो सेंटेंस ये है कि एक दिन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड वन डे, अ बस ड्राइवर वाज ड्राइविंग द बस रैशली। रैशली का मतलब ओवर स्पीडिंग। ही वाज ड्राइविंग द बस रैशली और अचानक से सामने गाय आ गई। तो जैसे ही बस के सामने गाय आई, तैसे ही ऑल ऑफ अ सडन ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। और ब्रेक कोई आम ब्रेक तो थोड़ी धीरे धीरे, डिड ही अप्लाई द ब्रेक, नो ही डिड नॉट अप्लाई द ब्रेक, डिड ही ब्रेक, नो ही डिड नॉट ब्रेक, ही डिड नॉट अप्लाई द ब्रेक, ही डिड समथिंग एल्स। उसने बहुत हार्ड ब्रेक लगाए, स्लैम ऑन द ब्रेक्स, स्लैम ऑन द ब्रेक्स, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसके अलावा एक वर्ड था हमारा, कौन सा, नहीं, जैम ऑन द ब्रेक्स, जैम ऑन द ब्रेक्स। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि बहुत खड़े ब्रेक लगाए, या तीसरा होता है सीधा ब्रेक के बाद हम क्या लगा देंगे, हार्ड। ओके सो ही ब्रेक्ड हार्ड, क्या बोलेंगे, तो बोल दीजिए कि ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो, अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो गाय बच नहीं पाती, कैसे बोलेंगे, इफ द ड्राइवर ओहो हैड नॉट, कम ऑन बोलिए, इफ द ड्राइवर हैड नॉट जैम्ड, ओके द ड्राइवर हैड नॉट जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, बोलिए जल्दी मुझसे पहले, ओके द काउ, बोलिए जल्दी से, वुड हैव, अब क्योंकि सेंटेंस क्या था कि बच नहीं पाती, तो हमें यहां दोनों के बीच में क्या लगाना है, नॉट, द काउ वुड नॉट हैव सेव्ड। क्लियर और नॉट? तो इस तरह से हमने क्या सीखा, ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3, और मजे की बात यह है कि सच्चाई पर आधारित होते हैं। आज की डेट में वो चीज इमेजिनेशन हो सकती है या एक कल्पना मात्र हो सकती है, लेकिन इनका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं रियलिटी से है, सच में ऐसा हुआ था। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, ये रिग्रेट है और ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज पॉसिबिलिटी एंड दिस इज रिग्रेट, इज इट क्लियर और नॉट? अब आप जाएंगे पास्ट में अपने जीवन में और सोचेंगे किसी ऐसे सेंटेंसेस के बारे में, एक सेंटेंस के बारे में जिसमें आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, और अगर मैंने किया था तो मुझे इस तरीके से करना चाहिए था।
अगर मुझे पता होता कि वह एक धोखेबाज इंसान है तो मैं उसे पैसे नहीं देता। ये कब बोला जा रहा है सेंटेंस? जब आपने पैसे दे दिए हैं। तो ये क्या है? पास्ट रिग्रेट। अब इस सेंटेंस को कौन बनाएगा इन वन गो? बताइए, रेज योर हैंड्स अप इफ यू कैन मेक दिस सेंटेंस इन वन गो। अभिषेक रेज हिज हैंड्स, कैरी ऑन। इफ आई हैड नोन फिर से रिपीट करेंगे। इन्होंने सेंटेंस को बोला ही इज ही गॉट इट नाउ राइट। तो सेंटेंस पहला पास्ट का बना हुआ है, इफ आई हैड नोन दैट ही। भले ही हिंदी में हमें बोलने में ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, लेकिन प्रेजेंट का सेंटेंस भी अगर पास्ट के सेंटेंस में जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है? खुशी क्या हो जाता है जरा बताओ? क्या पास्ट? आप बातें करो, बातें करो। ओके, तो तभी कहोगे जब मैं कहूंगा। गॉट माय पॉइंट? अगर आपके टीचर आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप बातें कर रहे हो, भले आप काम की बात कर रहे हो, तो टीचर बोल रहे होंगे, क्या वो बात आपके कानों में आएंगी? इसीलिए ध्यान दीजिए, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ समझ में तो आता है, बोल कोई नहीं पाता। दैट्स व्हाई मैम इज सेइंग, इसीलिए मैं सीखना ही नहीं चाहती। मैम इज सेइंग, जब बोला ही बोलता ही नहीं है, बोला ही नहीं जाता। छोड़ो, हम दिमाग का लगा। तो मुझसे कहो कि सर टफ है, पढ़ाओ मत। सो इफ आई हैड नोन दैट ही वॉज अ चीट, क्या बोला हमने? चीटर नहीं, चीट। ही वॉज अ चीट, आगे बोलिए। आई वुड नॉट हैव, बहुत अच्छे। गिवन भी यूज हो जाएगा, लेंट भी यूज हो जाएगा।